हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में चयन होने पर कुमारी पैंपो का रानीवाड़ा में जोरदार स्वागत। धोरीमन्ना निवासी कुमारी पैंपो सुपुत्री भीकाराम प्रजापत का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में भारत भर से पांचवी रैंक के साथ चयन होने पर रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय एवं उप सरपंच के निवास स्थान पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान उप जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र अग्रवाल, प्रधान श्रीमती रमीला मेघवाल, अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र देवासी, रानीवाड़ा उप सरपंच सुश्री अलका बोरा, सरपंच प्रतिनिधि मफाराम राणा द्वारा कुमारी पैंपो को शॉल साफा व मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री रामदेव इंडस्ट्रीज में भी दाना राम माली द्वारा पैंपो कुमारी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। ज्ञात रहे स्कॉलरशिप के लिए पूरे भारत वर्ष से 20 जनों का दक्षिण कोरिया की ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी ने सिलेक्शन हुआ, जिसमें कुमारी पैंपो प्रजापत ने पांचवा स्थान हासिल किया है। अब पैंपो को दक्षिण कोरिया की ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष भाणा राम बोरा, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भीकाराम प्रजापत, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जगमाला राम सुथार, अशोक डाबी, महेंद्र दिवासी मौजूद रहे। सर ने असल में मुझे दिल्ली से बुलाया इन सब मेरे सम्मान के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सब उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महोदय हार्दिक स्वागत है। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।